हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकू की किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी। आपने तो बहुत तरह की खाई होगी, कभी इस तरह से भी बना के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं एक कप तेल ली हूँ, दो चम्मच घी और दो तेज़पत्ता, दो दालचीनी, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, एक जावित्री, दो लौंग, दो काली मिर्च। इनके होने के बाद मैं इसमें रोस्टेड पचफोड़ना डाल रही हूँ और इसे 2-3 मिनट तक तवे पर भून ली हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ, इनके होने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च और अदरक डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 3 लार्ज साइज के टमाटर डाल दूँगी। टमाटर बहुत महंगे हैं, इसीलिए 1 लाइक तो ज़रूर करिएगा इस, मतलब सब लोग 1-1 लाइक करना। टमाटर डालने के बाद मैं यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। फिर उसके बाद 3 से 4 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें पानी डाल के पकाऊँगी 5 से 6 मिनट तक। फिर इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर मसाला, लाल मिर्च पाउडर मसाला, सारे मसाले डाल दूँगी। 3 से 4 मिनट भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें 250 ग्राम उबले हुए आलू डाल दूँगी और आलू के साथ इसे भून लूँगी 3 मिनट तक। फिर इसमें 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल दूँगी। ये सब घर का बना हुआ है इसलिए मैं 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ गरम मसाला। और फिर 1 मिनट बाद पानी डाल दूँगी और फिर कस्तूरी मेथी भी, धनिया पत्ता, और ढक के पका लूँगी 5 से 6 मिनट तक। और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी उबाल आने पर। तो बन के तैयार है, मज़े से खाओ पूरी के साथ। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक तो ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।